नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ कैसे मनाएं बसौड़ा पर्व। जानिए 8 काम की बातें। प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत केवल चैत्र मासी कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होता है और यही तिथि मुख्य मानी गई है, किंतु स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 4 महीनों में करने का विधान है। इसमें पूर्व विधा अष्टमी, व्रतमात्रे अष्टमी, कृष्णा पूर्वा शुक्ला अष्टमी परा ली जाती है। क्योंकि इस व्रत पर एक दिन पूर्व मनाया हुआ भोजन किया जाता है, अतः इस व्रत को बसौड़ा, लसौड़ा या बसियोरा भी कहते हैं। शीतला को चेचक नाम से भी जाना जाता है। कैसे करें यह व्रत? शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत केवल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। इस दिन व्रती को प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प लेना चाहिए। मम गेह शीतला रोग जनी तोप द्रव प्रशमन पूर्व कार्युरा रोगे श्रेय विवधे शीतलाष्टमी व्रतम करिष्ये। संकल्प के पश्चात विधि विधान तथा सुगंध युक्त गंध व पुष्प आदि से माता शीतला का पूजन करें। इसके पश्चात एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थों, मेवे, मिठाई, पुआ पूरी, दाल भात आदि का भोग लगाएं। यदि आप चतुर्मासी व्रत कर रहे हो तो भोग में माह के अनुसार भोग लगाएं, जैसे चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और शक्करा से युक्त सत्तु, ज्येष्ठ में एक दिन पूर्व बनाए गए पुए तथा आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर। तत्पश्चात शीतला स्तोत्र का पाठ करें और शीतला अष्टमी की कथा सुनें। रात्रि में जगराता करें और दीप मनाएं प्रज्वलित करें। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह स्वयं तथा परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के गर्म पदार्थ का सेवन ना करें। इस व्रत के लिए एक दिन पूर्वी भोजन बनाकर रख लें तथा उसे ही ग्रहण करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।